देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण पूजा का आयोजन किया गया। शनिवार को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में पृथ्वी पूजन का आयोजन किया गया। उत्साहित कृष्ण भक्तों ने कृष्ण भक्ति में डूबे रहे। कृष्ण पूजा की यह तस्वीर दरभंगा शहर क्षेत्र से लेकर बहादुरपुर मोरो थाना क्षेत्र तक की तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जा रही है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गई गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो
गोपाल। छोटी छोटी लकोटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकोटी, छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरिया सराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा को लेकर समाहरणालय दरभंगा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार को बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा शांतिपूर्ण संपन्न हो सके एवं पूजा को लेकर समाहरणालय दरभंगा अंबेडकर सभागार में जिला कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से किसी भी तरह की कोई आवश्यकता पड़ती है तो लोग यहां कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। वही इस कंट्रोल रूम में सुरक्षा के जवान भी मौजूद है एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष में 3 शिफ्ट में कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग कर्मी यहां कंट्रोल रूम में बने रहते हैं। जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त किए गए रमन जी नामक एक स्वास्थ्य कर्मी से हमने बात किया, क्या कुछ उन्होंने कहा आप सुने।
दरभंगा जिला में शांति बहाल रहे तथा आपराधिक घटना न घटे, शराब का मामला हो या कोई असलाहा, कोई भी आपत्तिजनक सामान न ले जा सके, अन्य कई बातों को लेकर दरभंगा जिला के बिशनपुर थाना की ओर से वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। दरभंगा समस्तीपुर रोड मुख्य सड़क में गुजर रहे वाहन चालकों को रोका जा रहा था एवं वाहन चालक की गाड़ी के संबंधित तमाम कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि को भी देखा जा रहा था। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में समानालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में पीपी एपीपी पीओ जीप के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। वही बैठक में जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में शामिल एक सदस्य से जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि जमीनी संबंधित विवाद से लेकर क्रिमिनल केस सब संबंधित मामले और भी कई केसों में मानसिकता निष्पादन कितना हो सकता है इसकी समीक्षा की गई है और जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। ऐसा केस हो जो मुझे आया हो और आपको नहीं भेजा गया हो तब बता दीजिए, हम उस पर एक्सटेंड एक्शन लेंगे। चल रहा हूँ कि कोई ऐसा मामला अभी आगे से पारित नहीं होता, अगर आरित होगा तो ये पता भी आप ही को पहले चलेगा। शिकायत सबको सबसे है, शिकायत नहीं है, हमका सुना जाएगा। सिस्टम सुधार हो वो हमको देखना होगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिसमें एक्विटल का आदेश पारित हो जाता हो हमको बात संख्या लिख सरकार मंत्री जितने भी केस होता है, सिविल हो क्रिमिनल हो, तो उस केस का निष्पादन कितना मासिक हुआ इसकी जानकारी जिलाधिकारी महोदय लेते हैं अपने बिहार सरकार के अधिवक्ता से और उस प्रतिवेदन के आधार पर जहां कमी रही उसको फिर सुधार करने का निर्देश देते हैं। तो और स्पीड में काम कीजिए। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा, विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई एस ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। दरभंगा पहुंची बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल। दरभंगा एन 57 मब्बी स्थित महादेव मंदिर के पास बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल के भव्य स्वागत के लिए लोग हाथों में माला लिए खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही परिवहन मंत्री शीला मंडल वहां पहुंची, लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके उपरांत लोगों ने मंत्री से कहा कि 2 मिनट हम लोगों के बीच समय दीजिए। इसी दौरान मंत्री शीला मंडल ने लोगों की बातों को टालते हुए आगे निकल गई। वही ग्रामीणों में मायूसी थी, सारी तैयारी विफल हो गई। महादेव मंदिर है, विश्वेश्वर नाथ मंदिर। हम लोग स्वागत में थे शीला देवी परिवहन मंत्री के स्वागत में। तैयारी की हुई जब उनको चार रहे थे कि नवरत्न मंदिर में आके बाबा के दर्शन करें और यहाँ से जो है सब आदमी जो है तैयारी पूर्व व्यवस्था किए हुए थे, जो कम से कम 5 मिनट के टाइम देते। एक्चुअली उनके पास जो है टाइम नहीं रहने के कारण वो NH पर ही हम लोग से मिल के हम लोग ने उनका स्वागत किया NH पे माला से, उसके बाद वो प्रस्थान। बीती रात हुई बारिश के कारण दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़कों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस जल जमाव की स्थिति से लोगों की निजात दिलाने हेतु दरभंगा नगर निगम द्वारा शहर के दूसरे स्थल से के साथ साथ लहरिया सराय टावर चौक के पास पानी का वाटर टैंक से सोखता मशीन लगाकर पानी को वहां से निकाला जा रहा था। इसी क्रम में दरभंगा नगर निगम के कई कर्मी लगे हुए थे एवं पानी को निकाला जा रहा था।
वही नगर निगम के कर्मियों से जब हमने बात किया तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि लालबाग लहरिया सराय टावर के पास से लेकर और भी दूसरे जगह पर लगे हुए बारिश के पानी को निकाला जा रहा है। बरसात के पानी निकालने की यह तस्वीर लहरिया सराय टावर के पास की है। मिथिलांचल में मिथिला की मिठास एवं शाकाहारी व्यंजनों के लिए अपनी अलग पहचान कायम रखने वाले प्रसिद्ध ब्रांड राजस्थान राधे राधे अपने 50वें वर्षगांठ पर जुड़वा शहर दरभंगा के लहरिया सराय स्थित शर्मा डायग्नोस्टिक्स से सटे अपने चौथे आउटलेट का शुभारंभ 21 अगस्त रविवार को अत्याधुनिक वातानुकूलित स्वीट्स रेस्टोरेंट व गोसरी के साथ करने जा रहा है। इसकी जानकारी मिर्जापुर आउटलेट स्थित वानी श्री वैकेंट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थापक के निर्देशक अनूप शर्मा, अरुण शर्मा एवं संस्थापक के मार्केटिंग हेड निर्जल शर्मा ने दी। ब्रांड राजस्थान राधे राधे जो विगत 50 वर्षों से शहरवासियों मिथिलावासियों के विश्वास पे खरा उतर रहा है और मिथिलावासियों के ही कारण आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अपनी 50वीं सालगिरह पे शहर को अपनी ओर से दो आउटलेट दे रहे हैं जिसमें से चौथे आउटलेट का शुभारंभ कल होने जा रहा है दिनांक 21 वीआईपी रोड में शर्मा डायग्नोसिस के नज़दीक सटे हुए। इसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ें दी हैं जिसमें एक इटालियन की नई श्रृंखला पिजेरियो जो बिहार का फर्स्ट वुडन फायर पिज्जा एंड अदर्स रेसिपीज शहरवासियों को दे रहे हैं जो आजकल के नई जेनरेशन के लिए आकर्षण का केंद्र होगा और उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। एक हमारा रेस्टोरेंट है बिंदास बरगद जिसमें विश्व स्तरीय रेंज दे रहे हैं इटालियन मैक्सिकन कोरियन और इसकी सैफ की टीम है वो भी विश्व स्तरीय है जो कि अपनी ओर से नए नए व्यंजन शहरवासियों को परोसेंगे।